how to set OnePlus Note CE earphone setting. How to set earphone setting in any OnePlus series. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अपने OnePlus के डिवाइस में ईयरफोन सेटिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ईयरफोन के रिलेटेड क्या क्या सेटिंग है यही मैं आपको इस वीडियो पे बताने वाला हूँ। तो उसके लिए दोस्तों, आपको सबसे पहले ईयरफोन को प्लग कर लेना है और उसके बाद आप सेटिंग शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देख लीजिए, जो जो सेटिंग है आप वो यूज़ कर सकते हैं अपने मोबाइल पे भी, और म्यूजिक्स का, ठीक है, अपने साउंड क्वालिटी का मज़ा ले सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद जाइए दोस्तों डायरेक्ट ऑडियो ट्यूनर। तो ये दोस्तों आपका ईयरफोन मोड है। ठीक है, ये दोस्तों एक्चुअली में ईयरफोन मोड यहाँ पे नहीं कह सकते, लेकिन इसका भी दोस्तों वही से, ठीक है, जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों आप सेटिंग्स दे सकते हैं। डायनेमिक ऑप्शन है, ठीक है। डायनेमिक ऑप्शन पे दोस्तों क्या होते हैं, बेस्ड ऑन योर कंटेंट आपको साउंड देगा। ठीक है, बेस्ड ऑन योर कंटेंट। उसके बाद नीचे वाला जो है मूवी है, मूवी देखते वक्त दोस्तों आप साउंड को बिल्कुल अलग तरीके का, ठीक है, रियलिस्टिक साउंड एनवायरनमेंट यहाँ पे आप दे सकते हैं। उसके बाद म्यूज़िक के लिए डिफरेंट है, ऑफ भी आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इक्वलाइज़र, जो कि मेन ईयरफोन का सेटिंग है, ठीक है, तो इक्वलाइज़र भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। यह है दोस्तों आपका ईयरफोन मोड। ठीक है, ईयरफोन मोड पर दोस्तों क्या क्या है, ऑटो प्ले मोड है, ठीक है, ऑटो प्ले मोड। उसके बाद स्मार्ट आंसर फॉर ब्लूटूथ का ऑप्शन भी है। तो यहाँ पे दोस्तों आइए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन वगैरह जानने की कोशिश करते हैं। ऑटो प्ले, ऑटोमेटिकली रिज्यूम म्यूजिक प्लेबैक व्हेन कनेक्टिंग टू ईयरफोन्स। ओके, तो मान लीजिए कोई म्यूज़िक प्ले कर रखा है, ठीक है, आपने ईयरफोन निकाल दिया, म्यूज़िक बंद हो गया। जब आप ईयरफोन को दोबारा से प्लग करोगे, म्यूज़िक अपने आप शुरू हो जाएगा दोबारा से। ठीक है, और नेक्स्ट वाला जो सेटिंग है, स्मार्ट आंसर फॉर ब्लूटूथ, यानी कि मान लीजिए आप ब्लूटूथ कनेक्शन पे रहते हैं तो कोई भी कॉल आने से, ठीक है, तो इनकमिंग कॉल आने से वो जो है डायरेक्टली रिसीव हो जाएगा। वाइल रिसीविंग एन इनकमिंग कॉल इट विल बी ऑटोमेटिकली आंसर्ड बाय बीइंग कनेक्टेड टू ए ब्लूटूथ डिवाइस। उसके बाद दोस्तों आपको मिलेगा नोटिफिकेशन रिंगटोन इन ईयरफोन। ओके, यहाँ पे रिंगटोन मोड का भी ऑप्शन है, ऑलवेज है, नेवर है, ओनली रिंग मोड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो रिंग मोड पे दोस्तों होने से क्या होते हैं, आपको रिंग मोड पे अपना जो नोटिफिकेशन टोन है वो ईयरफोन पे सुनाई देगा। ठीक है, एक्चुअली में दोस्तों होता क्या है, अगर आप ईयरफोन पे ये सेटिंग नहीं करते हैं तो आपका रिंग जो है वो आउटसाइड पे बजेगा, ठीक है, ना कि ईयरफोन के अंदर पे। तो ये ऐसी चीज़ का सेटिंग है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको देख सकते हैं वॉल्यूम, ब्लूटूथ का एब्सोल्यूट वॉल्यूम यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आप इसको जो है दोस्तों यहाँ पे ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है, ब्लूटूथ एब्सोल्यूट वॉल्यूम। हालांकि दोस्तों बहुत सारे डिवाइस में इसके लिए आपको डेवलपर ऑप्शन इनेबल करना पड़ते हैं, लेकिन वन प्लस में ये आपको वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।